आज रामनगर में परिवहन विभाग की ओर से शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वाहन चालकों की आंखों की निशुल्क जांच करने के साथ ही ईसीजी भी की गई, जिससे हार्ट के संबंधित बीमारियों के शुरू होने से पहले ही वाहन स्वामी करा सके उपचार, क्योंकि बहुत बार वाहन चलाते चलाते चालक को हार्ट अटैक होने की घटनाएँ सामने आती हैं। बुधवार को रामनगर में राजकीय महाविद्यालय के पास परिवहन विभाग की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने करते हुए सभी वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए रामनगर के ARTO संदीप वर्मा ने बताया कि 15 जनवरी से 14 फरवरी तक पूरे देश में यातायात माह का आयोजन किया गया था, जिसके माध्यम से विभाग की ओर से जागरूकता रैली के माध्यम से वाहन स्वामियों और वाहन चालकों के साथ ही परिचालकों और दुपहिया वाहन चालकों को यातायात नियमों के संबंध में जानकारी दी गई और सभी से यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की गई। उन्होंने बताया कि आज इस कार्यक्रम का समापन निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से किया गया, जिसमें चिकित्सकों की ओर से सभी प्रकार की जांच और दवाइयों के अलावा आंखों की जांच भी निःशुल्क की गई। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान जिनकी आंखों में कमी पाई गई है उनको चश्मा भी निःशुल्क वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग की ओर से इस शिविर का निःशुल्क आयोजन इसलिए भी किया गया ताकि वाहन चालकों की आंखों की जांच होने के साथ ही कमी आने पर वो चश्मा या उपचार कर सकें, जिससे वाहन चलाते हुए उन्हें वाहन चलाने में साफ दिखाई दे। साथ ही निःशुल्क जांच करने के साथ ही ECG भी की गई, जिससे हार्ट से संबंधित बीमारियों के शुरू होने से पहले ही वाहन स्वामी करा सके इलाज, क्योंकि बहुत बार वाहन चलाते चलाते चालक को हार्ट अटैक होने की घटनाएँ सामने आई हैं। ARTO संदीप वर्मा ने सभी से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। कार्यक्रम में SDM राहुल शाह, पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी समेत कई लोग मौजूद रहे। ये आज सड़क सुरक्षा माह हमारा चल रहा है, पूरे देश में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग वाहन स्वामियों के साथ और वाहन चालकों के साथ एक हर जगह जगह जाकर के एक बैठक करते हैं, उनको रोड सेफ्टी के बारे में बताते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हमारा ये एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और इस स्वास्थ्य शिविर में ड्राइवरों की, कंडक्टरों की और जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं वाहन से संबंधित, उन सबका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, जिसमें उनका ब्लड प्रेशर की जांच की जाती है, शुगर की जांच की जाती है, ECG किया जाएगा और एक्सरे किया जाएगा और मुफ्त दवाइयों का वितरण किया जाएगा, आँखों की भी जाँच की जाएगी और चश्मे का भी निःशुल्क वितरण किया जाएगा, जिससे कि वाहन चालक जो है सबसे बड़ा एक फैक्टर है कि अगर वाहन चालक स्वस्थ नहीं है दुर्घटना का कारण हो सकता है, जिससे कि बहुत लोगों की जान जा सकती है, घायल हो सकते हैं लोग। अगर अक्सर हमने देखा है कि कई बार ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गई या दुर्घटना हो गई, तो ऐसे ड्राइवरों का भी पता चलेगा आज कि ऐसे किसी ड्राइवर को हार्ट की कोई समस्या तो नहीं है, आँखों की कोई समस्या तो नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को आँखों की समस्या है और गाड़ी चला रहा है तो वो भी खतरनाक है। अगर उनकी आँखों की बारे में पता चलता है कि कोई कमी है तो हम उसको चश्मा भी निःशुल्क देंगे, ताकि सड़कें सुरक्षित रहें और लोग सुरक्षित रहें। ओवरलोडिंग पे लगातार कार्रवाई चलती रहती है और कल रात भी हम लोगों ने ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई की और काफ़ी वाहनों को हमने चालान किए हैं। ओवरलोडिंग में कल ही 8 वाहनों के चालान कल किए, वर्षों में 10 वाहनों के ओवरलोडिंग में चालान किए हैं। लगातार ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई जारी और आगे भी जारी है, क्योंकि जिस प्रकार से उनका परिवार हम लोगों का भी ये योजना है